अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट, पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐप की जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, लेट सपोज कि आप कोई ऐप है जो कि करीम की कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और उस ऐप की डाउनलोड्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, या उस ऐप की जो है वो डिस्प्ले नेटवर्क की टारगेटिंग मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि उन उन लोगों को ऐड दिखे जो कि उस ऐप से रेलिवेंट ऐप्स का जो है वो यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इन ड्राइव ऐप की बात कर रहे हैं, उसकी जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि यार उन लोगों को मेरा ऐड दिखे जो कि करीम या करीम जैसी जो है ऐप्स जो है वो यूज़ करते हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल करीम लिखेंगे और करीम की जो ऐप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो आप क्या होगा कि उन लोगों को आपका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा जो कि करीम जैसी एप्स को जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो आप इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन है, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो अलकरम की जो है वो डिस्प्ले मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो गुल अहमद है और खाड़ी है, लाइमलाइट है, जलबरी है, तो आप क्या कर सकते हैं उनकी वेबसाइट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, लेट सपोज अगर मैंने gulahmad.com यहाँ पर लिखा, तो गूगल क्या करेगा कि पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू gulahmad.com उनको भी जो है वो दिखाना शुरू कर देगा, आपका ऐड जो है उन लोगों को भी जो है दिखाना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स वो जो यूजर्स होंगे जो आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स पर होंगे, वो आपके रेलेवेंट ही यूजर्स होंगे, उनको जो है आप इस तरीके से जो है वो एड्स जो है वो दिखा सकते हैं। थैंक यू।